उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या स्थिति है अभी? टूटल फूटल घर है। मैडम आती हैं तो कहाँ पे सुइया देती हैं? बगीचा में साधु जी भी। रात बिरात को अगर आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो कहाँ पे जाते हैं आप लोग? नदमा हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट। और सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर। पटना जिला के धनरुआ प्रखंड के पत्रहट पंचायत के मधुबन गांव में लगभग 10 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन न होने के कारण वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर स्थिति में बने हुए, जिसके कारण मरीजों को बेड, दवा, पानी आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है स्वास्थ्य पदाधिकारी का ध्यान न देना। आप लोग ANM के पास जाती हैं जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे पानी उनी पीने की सुविधा है? ना, वजह घर है ना, वही घर वाले कल है यार। पानी कहाँ से पीती हैं? वो जो बगले वाला घर वाले से पिए ना, कहाँ से पीते हैं, जो कल है ना। और वहाँ पे जांच उच करने का मशीन उसीन है ना? आपको अभी तक टीका का सुई पड़ा है? पड़ले। कितना सुई पड़ा है? सुई तो हम ही ना दवा गिरे दवाला आई दिन कहे तो एक सुई दवा के छोड़ दिली ना गिली। दवा हुआ मिलता है ना? दवा कहाँ मिले। चेक उक करती हैं ना? उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है यहाँ पे? स्थिति तो देख ही रहे कि ईंटा का है, मिट्टी हिलावा पर ईंटा का है, दीवाल है, ऊपर से खपरा फरोश है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है किराया कम मिलता है। किराया कितना मिलता है आपको? किराया 80 रुपया महीना मिलता है। ANM यहाँ पे कितनी बार आकर बैठक करती है? ANM एक बार आती है टीकाकरण करने के लिए केवल, एक बार बैठक करने के लिए पहले आती थी, करती थी, लेकिन अभी जो ANM है पूनम, वो अभी बैठक एको दिन नहीं की है। जो हम चाहते हैं कि जो सरकारी रेट है उस तरह अगर मिले महीना तो इसको अच्छा बेहतरीन से बना देंगे। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी इसी समुदाय से हूं और मैं जानता हूं कि उप स्वास्थ्य केंद्र का जर्जर स्थिति होने के कारण रेखा देवी जैसी गर्भवती महिलाएं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो देखने वाले सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 9470-00-3595 पर कॉल करके उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन बनाने में हमारी मदद करें। मैं मनोज, जिला पटना, बिहार, इंडिया अनहर्ड के लिए।